Hey guys, welcome back to my channel, Joined to Bollywood. I hope you are doing absolutely fine. तो गाइज आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको मैं पांच ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको ऑडिशन पे ध्यान रखनी है। अगर आपने इस चीज को ध्यान रखा, इस चीज को फॉलो किया तो भाई कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता ऑडिशन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जब भी आप ऑडिशन देने जाएं तो भाई आपको जो डायलॉग मिले ना उस पर काम करें, ना कि आप काफी लोग ऐसी गलती करते हैं, 90% लोग ऑडिशन में यही गलती करते हैं। जब जाते हैं तो भाई तू कहां से है, भाई तू कहां से आया है, भाई आपने तो इस फिल्म में काम किया है, भाई एक सेल्फी ले लूं क्या, भाई ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आपको जो डायलॉग दिए गए पहले उस पर वर्क करिए, उसको समझिए क्या मेरा करेक्टर है, मुझे क्या करना है अंदर जाके। 15-20 मिनट का टाइम है, उसमें भी आप अपना फालतू टाइम फोटो खींचने में बात करने में निकाल दे रहे हो। तो भाई पहले ये मत करो, पहले एक बार डायलॉग को समझ लो, ऑडिशन दे के आ जाओ, उसके बाद सबसे बात करो, नंबर लो, फ्रेंडली हो, चलेगा। लेकिन भाई जब आप जा रहे हैं ना, क्योंकि देखो आप बात करोगे, आप मस्ती करोगे, तो भाई जो उनका असिस्टेंट है, कास्टिंग डायरेक्टर, वो देख के समझ जाएगा कि भाई आप जो है अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो। तो भाई जब भी किसी के पास ऑडिशन देने जाएं तो भाई एकदम फोकस करें, देखने वाला समझ जाए भाई ये कितना एक्टिंग को लेके इंटरेस्टेड है। ऐसा ना लगे कि आप मजाक में जा रहे हो, हाँ भाई तूने ऑडिशन दे दिया, हाँ अच्छा है मेरा भी हो गया यार, और बता कहाँ रहता है। भाई वो सब बाद में करना, पहले डायलॉग मिला है उसको समझो, कैरेक्टर क्या है, अच्छा ये कैरेक्टर है, पूरा उसको मेमोराइज करो, याद करो, टाइम बहुत कम है। 90% लोग ये गलती करते हैं, 10% लोग ईमानदारी के साथ ऑडिशन देते हैं और उसमें से ही सिलेक्शन होता है। फिर यही कहो कि भाई ऑडिशन दिए सर, सिलेक्शन नहीं होता है। तो भाई जब ये सब काम करो तो कहाँ सिलेक्शन होगा। तो भाई सबसे पहले अपने डायलॉग पे वर्क करना है, उसको याद करना है, करेक्टर को समझना है, एकदम डूब जाना है। जब आपका डायलॉग याद हो जाए, ऑडिशन खत्म हो जाए, उसके बाद बात करो, मस्ती करो, जो करना है वो करो। तो प्लीज इस बात को जरूर ध्यान रखें। तो गाइस काफी लोग डायलॉग तो याद कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद गलती क्या करते हैं भाई, वो कॉपी करते हैं। अमिताभ की आवाज में बोल रहे हैं, गोविंदा जी की आवाज में बोल रहे हैं, शाहरुख खान की आवाज में एक्टिंग कर रहे हैं। भाई किसी की कॉपी मत करो, अपने आप को दिखाओ, काम ऐसा करो कि लोग आपकी कॉपी करें, अपना एक अलग स्टाइल बनाओ बोलने का, एक्टिंग करने का, लोग आपके फैन हो जाएं। तो गाइस प्लीज किसी भी एक्टर की कॉपी ना करें, अपना एक स्टाइल बनाएं, अपने स्टाइल में एक्टिंग करें, किसी की कॉपी मत करो। कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि आप कॉपी कर रहे हैं। भाई अगर कॉपी करोगे तो क्या मतलब आपको लेने का, बहुत सारे लोग बैठे हैं कॉपी करने वाले, तो आपको क्यों लेगा वो। भाई जो रियल सिलेक्शन होगा ना वो कॉपी करने से नहीं होगा। तो गाइस जो भी है रियल करो, नेचुरल करो, जैसे हो वैसे करो, तभी सिलेक्शन होगा। तो गाइस जब भी आप ऑडिशन रूम में जाएं तो वहां जो भी लोग बैठे हैं, सर बैठे हैं, मैम बैठे हैं, जो भी टाइम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ ना कुछ बोलो और चेहरे पे थोड़ा स्माइल रखो। ऐसा नहीं है बस चले गए, डर रहे हो, हेलो मैम मेरे को ऑडिशन देना है। भाई डर के कुछ नहीं होगा, पहली बात एटिकेट सीखो, जब भी जाओ ऑडिशन रूम खोलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, चेहरा देख के उनका इतना अच्छा लगेगा, आपको देख के उनको पॉजिटिव वाली थिंकिंग आएगी, हाँ बंदे के अंदर है यार यह इंटरेस्टेड। आप एक्टिंग नहीं भी कर पाओगे, थोड़ा बहुत गलती भी होगी ना, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये बात जरूर है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ से ना बहुत काम बनता है गाइस। तो हमेशा ऑडिशन टाइम पे पॉजिटिव, चेहरे पे स्माइल, अंदर एंट्री और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एकदम ऐसे बोलो ना कि यार दूसरा बंदा अगर कौन है यार, यार बढ़िया एनर्जी है इसके अंदर, चलो देखते हैं इसका ऑडिशन। तो ये उनके अंदर आना चाहिए, तब सिलेक्शन होगा। भाई छोटी छोटी बात को याद रखिए, ये बातें कभी कभी बहुत काम आ जाती हैं। तो गाइस आपको ना नर्वस नहीं होना यार, काफी लोग यही होता है यार, एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब ऑडिशन रूम के अंदर जाते हैं, 10 लोग को देखते हैं, भाई ये मैम बैठी हैं, सेलिब्रिटी बैठे हैं, सलमान खान बैठे हैं, आमिर खान बैठे हैं, कोई भी हो, भाई हम नर्वस हो जाते हैं। भाई नर्वस नहीं होना है, नर्वस हो गए सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे भी यार नर्वस हो गए सिलेक्शन होने ही नहीं है, तो क्यों नर्वस होना, भाई खुल के दो ना यार, हो गए आप शाहरुख सलमान अपने लिए हो गए, कल को आपका सिलेक्शन होगा तो वही शाहरुख सलमान आपके साथ काम करेंगे, नहीं होगा ना तो आप बाहर रहोगे, वो अपनी जगह रहेंगे। तो भाई नर्वस नहीं होना है, होता है मैं समझता हूँ,
तो भाई ट्राई करो, जितने ऑडिशन दोगे ना तो धीरे धीरे करते करते ये जो आप डरते हो शर्माते हो दूर होगा। ये कैसे होगा? जितने आप ऑडिशन दोगे, जितने ऑडिशन दोगे, एक ऑडिशन थोड़ा शर्माओगे थोड़ा ऐसा लगेगा, दो दोगे थोड़ा कम होगा, तीन दोगे थोड़ा कम होगा, तो भाई करते करते ना ये भी दूर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्राई करो, नर्वस मत हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, तो भाई थोड़ा कंट्रोल करो, अपनी कमी को समझो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ ऑडिशन में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, बट ऑडिशन देते रहिए, यही इसका एक सोल्यूशन है। तो गाइस ऑडिशन के टाइम पे, ऑडिशन खत्म होने के बाद हमेशा चेहरे पे स्माइल रखो यार। ये नहीं है कि यार हुआ नहीं मेरा, रो रहे हो, अपना दुख मत रो। नहीं हुआ सिलेक्शन ठीक है, नहीं किया उन्होंने आपका सिलेक्शन तो उनका घाटा है आपका नहीं, ये सोचिए। खुद मन में बनाओ, बेटा आज तुमने मेरा सिलेक्शन नहीं किया ना, एक दिन तुम मेरे को अपने ऑफिस में बुलाओगे, मेरे पास काम मांगने के लोगे और मैं तुम्हें काम दे दूंगा। उस लेवल तक का आपको सोचना है, हमेशा एक आपको ना पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलनी है। भाई सबके साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप पहले इंसानों के आपका ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए और फ्लॉप। उनके रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, भाई आप उनके करेक्टर के लायक नहीं लगे उनको, या फिर जो उनको करेक्टर चाहिए था उसमें आपका लुक मैच नहीं किया, क्या पता इस वजह से आपको रिजेक्ट किया हो। तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, जहाँ देखो वहाँ मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। भाई ये नहीं सोचना है, रिजेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी कभी लुक मैच नहीं करता है। मान लीजिए आप 6 फीट के हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, एकदम हाइट है, पूरी मस्त बॉडी है, और उनको चाहिए था भाई नौकर का करेक्टर, तो आप खुद सोचो वो कैसे आपको ले लेंगे, आप लगोगे ही नहीं, कितना भी वो आपको मेकअप करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन वो नहीं आ पाएगा। तो वहाँ भाई समझ जाओ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग शायद करेक्टर ना रहा हो, या फिर जो करेक्टर था उसमें मेरा लुक अच्छा नहीं बैठ रहा है तो मैं उस लायक नहीं हो रहा, कुछ भी समझ लूँ। लेकिन ये याद रखिए, कभी भी अपनी एक्टिंग को दोष मत दीजिए कि मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। तो गाइस हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलनी है, भाई हमारा आज यहाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैम दूसरा होगा, सर दूसरा कुछ होगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं फिर से दूंगा। तो सबसे फ्रेंडली रहो, प्यार से बात करो, चेहरे पे स्माइल रखो, पॉजिटिव रहो, कभी भी निगेटिव मत सोचो, इससे दूर रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना काम मिलेगा, उतना सफल होंगे, उतना आपका मन लगेगा। तो गाइस ऑडिशन देने पड़ते हैं, अब ये मत सोचिए कि एक ऑडिशन से कुछ होने वाला है, भाई एक ऑडिशन से कुछ नहीं होगा, बट एक वो ऑडिशन से कुछ होगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। भाई ऐसे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 100 200 500 ऑडिशन दिए हैं, उसके बाद उनको ब्रेक मिला है। तो भाई ये सोच के रखिए, भाई काम मिलेगा, टाइम लगेगा, किसी को जल्दी मिल गया तो किसी को लेट मिला है, बट ऑडिशन देते रहिए, ऑडिशन मत छोड़िए। भाई नहीं होता सेशन छोड़ दो, आपका काम है ऑडिशन देना, दिन में 4-5 ऑडिशन देने हैं, अगर आप मुंबई में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं तो ऑनलाइन हमें सेंड करना है। भाई किसी ना किसी ने पक्का रिप्लाई आएगा और आपको चांस मिलेगा और आप काम कर पाएंगे। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करो, पूछो, व्हाट्सअप करो, इंस्टा मैसेज करो, कोई भी आपको सजेशन चाहिए तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो, मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा, आपको गाइड करूंगा कहाँ पे जेन्युइन ऑडिशन होते हैं, कैसे आपको ऑडिशन देना है और क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पूरी आपको सपोर्ट करूंगा। तो गाइस प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सारे वीडियो की अपडेट आप तक आती रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे हम डायलॉग्स देते रहते हैं ऑडिशन के, और ऑडिशन अपडेट भी वहां अपडेट करते रहते हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।